हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो किन लोगों ने कितना सारा शॉपिंग किया है प्लीज कमेंट में मेंशन करना। तो मैंने भी शॉपिंग करना अभी तक स्टार्ट कर दिया है, और ये वाला साड़ी भी मुझे मेरा मम्मी ने गिफ्ट किया है, और ब्लाउज भी मैंने बनाया था, पर यहाँ पे गले में बहुत टाइट है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दम अभी घुट के में मर जाऊँगा। तो इसको अभी ठीक करने का टाइम भी नहीं है, अगर ठीक करने के दूंगी तो 4-5 दिन ऐसे ही लग जाएगा, तो ऐसे ही पहनना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और आप सब लोग बोल रहे थे कि देवली मेकअप लुक करिए, तो मैं देवली मेकअप लुक करने के लिए एकदम हाजिर हो चुकी हूँ। और ये वाला साड़ी तो मेरा एकदम फेवरेट है, आप सब लोग देख सकते हो कितना अच्छा वर्क किया हुआ है। तो ये वाला साड़ी मैंने ऑनलाइन से परचेस नहीं किया है, तो आप सब लोग लिंक मुझे एकदम मत पूछना। ये वाला मेरा मामी का शॉप है, मैंने वैसे लिया है और मामी ने मुझे गिफ्ट किया है। चलिए जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्राइमर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्राइमर इस्तेमाल करते हो तो आपका बेस बहुत ही खूबसूरत लगता है, और आपका इवन टोन लगता है, और बहुत ही ग्लॉसी होता है, और आपका जो फाउंडेशन आप बाद में इस्तेमाल करोगे वो एकदम क्रैक नहीं होता है, और ज़्यादा देर तक वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अब ज़्यादा हाइलाइटिंग के लिए, क्योंकि दिवाली है तो मेरा फेस को एकदम जगमगाना चाहिए ना, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइलाइटर मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद आप सब लोग देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। तो आज मैं बेस को मैं फास्ट करूँगी, तो मैं पहले मैं अपने बेस को मैं इस्तेमाल कर रही थी फाउंडेशन, तो मैंने सोचा इस तरह से इस्तेमाल ना करके मैं डॉट डॉट करके फाउंडेशन इस्तेमाल करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं पूरा फेस में मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से अच्छी तरह से फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था, इसलिए मैं फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अच्छी तरह से उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आप अगर ब्रश के थ्रू अगर मेकअप करते हो तो आपको फुल कवरेज मिलता है 100%, और आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करते हो तो आपको कवरेज आपको 60-70% मिलता है। तो मुझे आज ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए था, अब मुझे एक सटल सा और बहुत ही ग्लोई एक बेस वाला एक मेकअप लुक चाहिए था, इसलिए मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर का मदद से मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं लोरिया का कॉन्सिलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, शेड नंबर है 312। इसका कवरेज बहुत ही 100% है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना मेकअप वीडियो देखने के बाद मैंने बहुत सारा, क्योंकि मैं खुद का चैनल में जब ओपन किया था तब मैं बहुत सारा मेकअप वीडियो देखती थी मैं किस तरह से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा चैनल का 1 ईयर भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्ट फरवरी से किया था, तो इसका रिव्यू मैंने बहुत सुना था, तो मैंने इसको दो तीन दिन पहले मैंने इसको परचेस किया था। तो मैंने इसका कवरेज भी मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छा है, आप सब लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, और क्योंकि बहुत ही वो इसको क्रैक नहीं करता, अगर अंडर आइज में अगर कोई भी फाउंडेशन कंसीलर आप इस्तेमाल करते हो वो क्रैक हो जाता है, क्योंकि इसको मैं पहली बार मैं इस्तेमाल करके देख रही हूँ, कुछ क्रैक नहीं होता और बहुत ही अच्छी तरह से आपका फेस में ब्लेंड भी हो जाते हैं। इसके बाद मैं लूज पाउडर लेके अच्छी तरह से मैं जो फेस में मैंने बेस जो अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। आज का आई मेकअप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारा कलर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। पहले मैं ब्राउन कलर का शेड लेके एक मैं क्रीज लाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लूँगी। आपको अच्छी तरह से दोनों आईज में क्रीज लाइन को ड्रॉ करना है और ब्लेंडिंग आपको अच्छी तरह से करना है, इस वाला बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं जो ब्राउन कलर जो इस्तेमाल किया है उसके ऊपर मैं ऑरेंज कलर का शेड लेके उसको मैं अप्लाई करूँगी। आप सब लोग देख सकते हो मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑरेंज कलर अप्लाई नहीं करना, जहाँ पे आपने ब्राउन इस्तेमाल किया है उसके ऊपर आपको ऑरेंज कलर जो आपने अप्लाई किया है अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करना है। ब्राउन के साथ आपको ऑरेंज कलर अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, तो देखना एक बहुत खूबसूरत सा एक प्यारा सा एक कलर आएगा, क्योंकि मुझे कलर के साथ खेलना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं ज़्यादा इनोवेट वाला लुक में क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा येलो कलर लेके मैं जो ऑरेंज कलर हमने अप्लाई किया था उसके ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक स्मची सा लुक आया है। मुझे तो अभी से मेरा आई लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना मेरा मतलब मैं बहुत क्रिएटिव तरीके से मैं सोचती हूँ किस तरह से मैं आई मेकअप करूँ थोड़ा सा हटके हो जाए। तो मैं यहाँ पे शिमर इस्तेमाल कर रही हूँ स्किन कलर का, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई गोल्डन बस शिमर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं एक तो सटल सा स्किन कलर का ही मैं शिमर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्राउन के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ तो थोड़ा सा योलिश कलर लग रहा है, पर वो एकदम स्किन कलर का ही
पूरा शिमर था, मैं अच्छी तरह से ब्रश के थ्रू उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। शिमर आप हाथ की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं वाटर लाइन के नीचे में मैं थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर मैंने जो अप्लाई किया था उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद नीचे मैं येलो कलर लेके मैं अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो स्मजी सा लुक नहीं आएगा। इस वाला बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं जो येलो कलर अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा पिंकिश शिमर लूँगी, मतलब पिंकिश आई शेडो लेके मैं अच्छी तरह से वाटर लाइन को मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप कलर के साथ देख रहे हो मैं किस तरह से खेल रही हूँ, मतलब येलो, ऑरेंज, ब्राउन, फिर स्किन कलर, फिर पिंक। अब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जो लुक आएगा मुझे बहुत ही खूबसूरत से लुक आया है, आप सब लोग देख सकते हो। इसके बाद मैं रेड कलर का लाइनर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि और मतलब नॉर्मली लोग ब्लैक कलर का लाइनर, ब्लू कलर का, मैं यहाँ पे रेड कलर का लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आज का लुक मैंने बहुत ही हटके और बहुत ही खूबसूरत सा सोचा है। मैं रेड कलर का लाइनर को मैं विंग्स नहीं बनाऊँगी, मैं बस लाइनर को ड्रॉ करूँगी। तो मेरा दिमाग ना बहुत जुगाड़ू है, तो मेरा लाइनर था नहीं तो मैं लिप कलर से मैं लाइनर क्रिएट कर लिया। फिर मैं वाटर लाइनर में थोड़ा सा रेड कलर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को आप बहुत सारा वे से आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं बार बार बोलती हूँ वीडियो में, क्योंकि सबके पास हर एक चीज़ नहीं होता अवेलेबल, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैं सिल्वर कलर का एक शिमर लेके यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर शिमर इस्तेमाल करते हो तो आपका आइज बहुत ही पॉपअप करता है। तो मैंने आज रेड कलर, थोड़ा रेड नहीं, ऑरेंज लिया, पिंक लिया, तब सिल्वर कलर लिया, तो मैं सिल्वर थोड़ा सा कम लग रहा था मैं तो इसलिए थोड़ा सा शिमर भी लिया है, क्योंकि मैंने पहले हाइलाइटर नहीं इस्तेमाल किया था, तो फिर मैंने शिमर इस्तेमाल किया। फिर मैं गोल्डन कलर का हाइलाइटर लेके मैं आईब्रोज के वहाँ पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैंने आईज में कितना कलर आज इस्तेमाल किया आप सब लोग सोच सकते हो, मैंने बहुत ही, और मुझे आई मूव बहुत ही पसंद आया था। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, अच्छी तरह से फिल करना है आपको। आईब्रोज में ब्लैक कलर देके एकदम फिल नहीं करना है आपको, ब्राउन कलर का शेड देके फिल करना है। फिर मैं स्पूली की मदद से अच्छी तरह से उसको ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैं कोरल कलर का ब्लश मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी, और क्योंकि आज लुक है रेड कलर तो मैंने ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया, इसे मैं पिंक कलर का ब्लश आज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कोरल कलर का ब्लश यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्लश इस्तेमाल हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा कॉन्टूर भी करूँगी। आज जब मैं ब्लश इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सबने देखा होगा मैं आइस के साथ वो ब्लश में अच्छी तरह से मैं स्मच कर रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स्ड कर रही हूँ, तो बहुत ही प्यारा सा एक लुक आएगा। और मैं नोज़ में भी थोड़ा सा मैंने ब्लश इस्तेमाल किया है। फिर मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्टूर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉन्टूर नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्टूर करने से आपका मेकअप ग्रे लगता है। और मैं ज़्यादा कॉन्टूर करती हूँ जब ब्राइडल मेकअप होता है, पार्टी मेकअप होता है, और दिवाली में थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कॉन्टूर ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ज़्यादा कम करने से अच्छा लुक आएगा। आप सब देख सकते हो मैं ज़्यादा कॉन्टूर इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे पिंकिश कलर का जो मैं अंडर आइज में इस्तेमाल किया था वही मैं हाइलाइटर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आज का लुक ना बहुत, मतलब बहुत सारा कलर लेके मैंने यहाँ पे ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है, और मैंने इतना भी अच्छा लुक आएगा मैंने सोच भी नहीं सकती। और क्योंकि मुझे कलर के साथ खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फिर मैंने सोचा था मैं लैस इस्तेमाल करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं इस वाला लुक के साथ लैस अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं अच्छी तरह से मैं मस्कारा मैंने इस्तेमाल कर लिया ताकि लैश की तरह बहुत ही अच्छा हो, और ये वाला मस्कारा तो मेरे फेवरेट है मेवालिन का, और आपका जो लैसेस बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही घना लगता है। फिर मैं यहाँ पे एक पिंकिश कलर का रेड लेके मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो रेड कलर मैंने आइस में लगाया था वही वाला लिप कलर मैं यहाँ पे फोटो पे इस्तेमाल करूँगी। अब अगर दोनों कलर को स्मच करके एक साथ करते हो तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, आप सब लोग देख पाओगे, क्योंकि कलर ना बहुत ही खिल उठता है। अब अगर दोनों कलर एक साथ करके मिक्स करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप सबको कैसा लगा है, क्योंकि उम्र टाइप का एक लुक आता है। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है, आप सबको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, और मेरा जो आई का जो मेकअप है आप सबको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा कलर मैंने आईज पे इस्तेमाल किया है, बहुत क्रिएटिव करके सोचने का तरीका मैंने सोचने का कोशिश किया है। तो आप सबको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना, और हैप्पी दिवाली सबको एडवांस में, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले भी वाला वीडियो अपलोड करूँगी। तो एज मन हैप्पी दिवाली, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Like, subscribe and press the bell icon.